पाकिस्तान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जारी करदा अदादोशुमार से पता चलता है कि तबाहकुन मानसून की वजह से बड़े पैमाने पर आने वाले सैलाब से पाकिस्तान में 1000 अफराद हलाक और 33 मिलियन मुतासर हुए हैं, जो कि आबादी के तकरीबन 15% है। मजमू तौर पर तकरीबन 55,000 मुरबा किलोमीटर जमीन सैलाबी पानी से मुतासर दिखाई देती है। मुल्क की तकरीबन 50% कपास, चावल, तिल, टमाटर और काली मिर्च की फसलें तबाह हो चुकी हैं, क्योंकि जमीन का एक बड़ा रकबा ज़ेरे आब आ गया है और गंदम की बवाई का बेहतरीन मौसम भी छूट गया है। बारिश के बाद पहला वजन जरा खड़े खड़े वाला नहीं था, यानी कि 30-35 मानक नो ही साल 15-16 मान ज्यादा एवरेज कहनी खत्म थी गई बाइक बारिश खत्म करती है। इस दफ़ा जो बारिशें हुई हैं ना सर, वो हद से ज़्यादा हुई हैं। शुरू में तो जो ना वो दरियाओं का पानी जो था वो कम था, पहले हमें पानी की अच्छा ज़रूरत थी। इसके बाद बारिश इतनी हुई है कि कपास की फसल तो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, कमान जो है उसमें भी पानी है अपना, वो उसके बचने का भी अपना अंदेशा नहीं है। बहुत नुकसान हो गया है, हजारों एकड़ जो फसलें काटते हैं गंद इसकी कपास की वो ख़त्म हो गई हैं। फी एकड़ भेजन खर्चा तो लोग घट हुए तो 40,000 का खर्चा है फी एकड़ दे 40-50,000 थी तक देख और साथ यह हो सी 12-13 मन हाँ नुकसान थी वे तकरीबन 25-30,000 एकड़। सैलाब से किसानों को बहुत ज्यादा मुआशी नुकसान पहुंचा। मिसाल के तौर पर कपास की पैदावार थोड़े ही अरसे में खत्म हो गई। कपास टेक्सटाइल की सनत के लिए खाम माल है, जो पाकिस्तान की सबसे अहम बरामदी सनतों में से एक है। कम कपास का मतलब यह है कि हुकूमत को टेक्सटाइल की सनत के तहफ्फुज के लिए बड़ी मिकदार में कपास दरामद करना पड़ेगी, जिससे पहले से मौजूद गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा। तकरीबन कपास मुरबा है वो देश अधी खराब थी। राजनपुर का तकरीबन 60% रकबे में लोग कपास काश्त करते हैं, तकरीबन कपास जो है वो डैमेज हो चुकी है। पहले बारिशों का पानी था, अब ये दूसरा पानी आ गया है। अभी भी बारिशें चल रही हैं, बारिशें ख़त्म तो नहीं हुई ना, जो उनका नीचे वाला जो फाल था वो ख़त्म हो गया है। लोगों ने बहुत मेहनत की हुई थी और अच्छा खासा कपास का रेट है, तो अभी तो उनका बचना कपास का बचना बहुत मुश्किल है। पानी की वजह से फसल को नुकसान पहुंचा है, इसमें 70% डैमेज फसल कपास का हुआ है। 24 घंटे खड़ बजे ना पानी तो पौधे की यह हालत थी वी बिल्कुल ये देखते पे ये 12-24 घंटे थी वजे ई है साको कोई पैदावार ही कहीं नहीं मिलती पी जित मिसाल है साको 20 मन या 25 मन दे औसत मिलती कुछ है वसूल नहीं थी। यही हालात थी गई, ये सारा टिंडा फिसते तले खत्म थी गए। ये देखो ये क्या करे सी हूँ, ये सारी जायो थी गई फूटी। पानी को कम करने और इस सूरत हाल से बचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बेहतरी लाई जा सकती है? अगर रकबा अवेलेबल है, मैं सिर्फ एक सजेस्ट करूंगा कि फार्मिंग कम्युनिटी अपने लेवल के ऊपर वाटर स्टोरेज टैंक बना लें या अपने इलाकाई नुमाइंदों के साथ मिलकर डेवलपमेंट स्कीम्स पे वाटर हार्वेस्ट करें और वाटर स्टोरेज टैंक बना लें। ये इनकी एग्रीकल्चर ज़रूरियत को भी पूरा करेगा, इनकी ड्रिंकिंग ज़रूरियात को भी पूरा करेगा और लाइफ स्टॉक के लिए भी अवेलेबल। नुकसान की बजाय ये तो फ़ायदा बन गए थे, जो डैम बना दे मिलता कि थी असा जट किसान खुशहाल थी वे थे, पानी मिलते पे फसलें को हर शायद बेहतर थी वे। अब यहाँ अगर डैम बढ़ाए जाएँ तो लामाला इस पानी का फ़ायदा भी उठाया जा सकता है, लेकिन पानी उसमें डैम जो बनाया जाए उसको पुख्तगी के साथ बनाया जाए ताकि ये इतना पानी उसको कुछ ना कहे। पानी ज़खीरा करने की सहूलियात को शामिल करने और मजीद डैम बनाने के अलावा इलाकाई निकासी आपके निज़ाम की तामीर को बेहतर बनाना भी ज़रूरी है। मेरा गवर्नमेंट से सिर्फ यही पैगाम है कि जो हमारा ये ड्रेन है ना, इसको बढ़ाया जाए। अगर हमारे इलाके को बचाना है तो इस ड्रेन को जो है बढ़ाया जाए, हमारे लोग महफूज हो सकते हैं। अगर इसको नहीं बढ़ाएंगे तो फिर इसी तरह नुकसान दोबारा होगा। फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान और हर जगह पानी के ऐसे मनाजर के सामने लोग अपनी मदद कैसे कर सकते हैं? ये एक बहुत आम और अमली तरीका है, यानी मकामी किसानों को इकट्ठा करें कि वो खुदाई करके पानी का रुख उन इलाकों की तरफ मोड़ दें जहां खेती बाड़ी नहीं है और मुतासरा इलाके से पानी को बाहर निकालने की कोशिश करें। लोगों को लाजमन कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि बारिश और पानी की वजह से मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। अगर किसी पौधे में नए पत्ते निकल रहे हों तो इसका मतलब है कि वो अभी तक ज़िंदा है। लोगों को जल्द अज जल्द उसे खाद डालकर उसकी सेहत बहाल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये कि लोगों को शदीद मुतासरा इलाकों में जितनी जल्दी मुमकिन हो दूसरी फसलें काश्त करनी चाहिए। जो गवर्नमेंट को चाहिए, जो इनका नुकसान हुआ है, ज़िम्मेदारों का नुकसान हुआ है और घर बर्बाद हो गए हैं, जानवरों का नुकसान हुआ है, जितनी हम उम्मीद करते हैं हुकूमत उनको उनको रिलीफ दे। तो ये है कि जब अनाउंसमेंट की जाती हैं तो उनके ऊपर उनको कान धरना चाहिए। आपके गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनके ऊपर उनको बिलीव करना चाहिए। वो अगर टाइम पे निकल आएंगे, अपने भेड़ बकरियां ये चीज़ें निकाल लेंगे तो
जो इमरजेंसी इवैक्यूएशन है उनकी कम से कम ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मेरा पैगाम है लोगों को कि जिस वक्त आपको ये चीज़ की जा रही होती है कि आप निकलें, तो मेहरबानी करके उस वक्त निकल आएँ, क्योंकि वो जो मकान है, वो जो दीवारें हैं, वो कच्ची हैं। कि उन मवाजियात से आप नकल मकानी करके जो इंतज़ामिया ने आपके नियर बाय फ्लड रिलीफ कैंप बनाए हुए हैं, वहाँ पर हम किस्मी सहूलियात है। मोस्टली फ्लड रिलीफ कैंप गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं और पक्के कमरे हैं। सैलाब ने बहुत नुकसान पहुंचाया, हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत पाकिस्तान अक्वामे मुत्तहिदा समेत दीगर आलमी इदारों के साथ राब्ते में है। तमाम बड़े ममालिक पाकिस्तान के दोस्त और आलमी तंजीमें इस कड़े वक्त में पाकिस्तान का साथ देंगी। सरकारी इदारे अपनी बड़ी जगह बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमारे यहाँ ज़िले इंतजामिया जो है ऊपर हुकूमतों की हदायत के मुताबिक बड़े आवाम को रिलीफ देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ मशीनरी की ज़रूरत होती है, मशीनरी भी मुहैया करते हैं। उनके लिए टेंटेज का इंतजाम किया हुआ है, खाने का। एक ऐसे मुल्क के तौर पर जिसकी पाकिस्तान के साथ गम और खुशी बांटने की रवायत है, चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली केचियांग ने बितरतीब पाकिस्तानी रहनुमाओं को पहली बार हमदर्दी का पैगाम भेजा है। चीन ने 4,000 खेमे, 50,000 कम्बल और 50,000 वाटर प्रूफ कैनवस अतिया किए हैं, जो आफात से निपटने के लिए फ्रंट लाइन पर रखे गए थे। चीन की रेड क्रॉस सोसाइटी ने पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी को $3,00,000 की हंगामी नकद इमदाद भी फराहम की। हमारे पास फ्लड रिलीफ की 6 फ्लाइट्स अभी तक आ चुकी है। मोस्टली इसमें टेंट्स आए हुए हैं और इसमें उनके लिए हर ब्लैंकेट्स हैं और इसमें फूड का ड्राई आइटम है। सर, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने हमेशा से अपने आप को प्रूफ किया है कि दे आर दी ट्रू फ्रेंड्स विद पाकिस्तान एंड दे आर शोइंग देयर सॉलिडेरिटी विद पाकिस्तान राइट नाउ while helping out the flood victims. तो अगली एक फ़्लाइट और है और इसके अलावा 3-4 फ्लाइट और भी एक्सपेक्टेड हैं। है ना, टर्किश की एक और फ्लाइट आई भी है। पाकिस्तान चीनी हुकूमत ने 100 मिलियन यूआन की इमदादी ग्रांट का ऐलान कर रखा है। इसके अलावा 25,000 खेमे और दीगर इमदादी सामान भी भिजवाया जाएगा। चीन ने 100 मिलियन यूआन ग्रांट के अलावा पाकिस्तान को मजीद 300 मिलियन यूआन तकरीबन $43.5 मिलियन मालियत की इमदाद देने का भी वादा किया। हम चीनी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने पाकिस्तान को बरवक्त इमदाद पहुँचाई, जिनमें खेमे भी शामिल हैं जो जल्द मौसूल हो जाएंगे। चीनी इदारे और इमदादी तंजीमें भी सफारत खाने से राबता कर रहे हैं, ना सिर्फ इजहार यकजहती के लिए बल्कि अतियात की फराहमी के लिए भी। वो हमें खुराक, खुश्क मेवाजात और अद्वियात भी फराहम कर रहे हैं। लाहौर ओवरसीज चाइनीज एसोसिएशन ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के लिए रकम और सामान अतिया करने की पहल की, जिसे खूब पजीराई मिली। चाइना पाकिस्तान यूथ एक्सचेंज ग्रुप की रजाकार टीम ने 26 अगस्त 2022 को आफत जदा इलाके में 250 मुतासरा खानदानों में इमदादी सामान तकसीम किया। आफात जज्बात से आरी होती हैं, लेकिन इंसान जज्बात से आरी नहीं हो सकते। चीन हुकूमत की तरफ से इमदाद के साथ साथ चीन की रेड क्रॉस सोसाइटी ने पाकिस्तान हिलाल अहमर सोसाइटी के हंगामी बुनियादियों पर $3,00,000 नकद का ऐलान किया है। APCEA ने 15 मिलियन रुपए वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड में जमा कराए हैं। पाकिस्तान में मौजूद कुछ और चीनी इदारे भी इमदादी सामान और नकद एहतियात इकट्ठा करने और लोकल कम्युनिटी में तकसीम पर काम कर रहे हैं। चीनी हुकूमत ने सैलाब की तबाहकारियों से मुतासिर होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और तामीर नो के लिए मदद का भी यकीन दिलाया है। पाकिस्तान में चीनी कंपनियां भी फौरी तौर पर जवाब दे रही हैं कि वो जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। CGGC के इंजीनियर बरवक मशीनरी और सामान लेकर सैलाब से गिरे हुए पुल को मजबूत बनाते हैं। मालूम हुआ है कि चीन और पाकिस्तान ने हंगामी इमदाद में फॉलो अप तावन के निफाज पर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के कयाम पर इत्तफाक किया है। चाइना मेट्रोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन आफात की तरक्की की पैरवी जारी रखेगी और पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ इमदादी खिदमात फराहम करेगी।